Hi everyone, this दिस इज़ वे आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है नो मोर ग्रेट इंडियन बास्टर्ड इन आंध्र प्रदेश तो ये वर्ड जो है जे जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आंध्र प्रदेश में अब नहीं पाए जा रहे नहीं दिख रहे इसका क्या रीज़न है ये हम डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील क्या दो वी गिन मेक अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल ही मिलेगा हमारे कोर्सेज़ को परचेज़ करने के लिए यू कैन विज़िट आर वेबसाइट वेबसाइट है स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जब आप उस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो मिलेंगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपके क्या ख्वाब हैं अगर यहाँ पे फ्लैगशिप कोर्स के बारे में बात करूँ तो हमारा फ्लैगशिप कोर्स जैसे यू पी का जो चल रहा है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा यूपीएससी सीएससी का प्री मेंस का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है फ्लैगशिप कोर्स भी है पहली बात तो स्टडी आईक्यू का एक ही विजन है कि हम आ, जो एजुकेशन है उसको अफोर्डेबल अफोर्डेबल होने के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएँ तो सपोज़ जैसे आप यहाँ पे कोई भी जो हमारा कोर्स है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं किस तरीके से करना है क्या खासियत है इस कोर्स की मैं आपको बताऊँगी पहले तो मैं यू पी एस वाले कोर्स की बात करूँगी आज प्री प्लस मीन्स जो जी फाउंडेशन का कोर्स है तो जिस जब आप वेबसाइट पर जाएंगे इस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको जो पेज है वो खुल जाएगा देखिए ये कोर्स वैसे इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल क्यों बोल रही हूँ अगर आप दिल्ली में आप सोच रहे हैं कि आप कोचिंग लेने के लिए आएंगे तो आपने भी कोर्सेज़ के बारे में पता किया होगा कि कितने कॉस्टली कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं उस हिसाब से अफोर्डेबल बिकॉज ट्वेंटी थाउजेंड में ये कोर्स आपको मिल रहा है और उसके बाद भी हमारा कोई ना कोई डिस्काउंट अगर आप देखेंगे विद टाइम्स चलता रहता है और कोर्स के अंदर आपको वीडियोज़ मिलेंगी आपको क्विज मिलेगा आपको लेक्चर के नोट्स मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे ये जो कोर्सेज हैं ये बेस्ट फैकल्टी जो हैं हमारे जो यू पढ़ा रहे हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं और नीचे सेक्शन भी है अबाउट ऑथर्स आप इसको भी डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस टीचर ने ये कोर्स बनाया है और इनकी डेमो वीडियोज़ जो हैं वो भी देख सकते हैं जिस तरह से पे ऑप्शन देख रहे हैं एग्जाम कौन सा कवर्ड हो रहा है ऑथर्स कौन है डेमो वीडियोज आप देख सकते हैं हर टीचर की जो इसमें इन्वॉल्व हैं कोर्स का कॉन्टेंट देख सकते हैं सारे का सारा नहीं बट इनिशियली आप डेमो के रूप में जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कोर्स को आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कोर्स है और इसमें खासियत यह है प्री और मेंस दोनों ही कवर्ड है डिटेल में वीडियोस हैं पीपीटीज हैं एमसीक्यूज हैं जितना भी आपका पोर्शन है उस पोर्शन के हिसाब से आपको ये सारा मटीरियल मिलेगा उसके बाद हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम भी है जिसको हम कैप करके बोलते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या कॉन्टेंट यहाँ पर है ये दिस इज़ द करंट अफेयर प्रोग्राम कैप सक्सेस इन प्रिलिम्स जो है वो हर बार प्रिलिम्स आने के पहले आपका ये प्रोग्राम भी चलाया जाएगा पॉलिटी टीचर्स के बाद महीपाल सर और राहुल सर के बारे द्वारा है हिस्ट्री आपको आदेश सर के द्वारा मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स के साथ अब इसके आगे मैं आपको बता दूँ कि इनके आप ये कोर्स बाय करते हैं आपने डेमो वीडियोज़ भी देख लिया यहाँ पर देखिए न्यू एट विद टाइम हम अपडेट करते रहते हैं ऑथर्स के बारे में देख लिया कोर्स का कंटेंट देख लिया एफ ए क्यू सेक्शन है आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हैं अदरवाइज आपको नंबर भी वेबसाइट पे हमारा मिल जाएगा आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं एंड देन इफ यू डिसाइड कि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसके कुछ और आ, जो है पॉइंट्स फीचर्स वो भी बता दूँ कि सबसे यहाँ पे तीन कैटेगरीज आपको दिखेंगी सिल्वर जिसकी वैलिडिटी ट्वेल्व मंथ्स है ट्वेंटी थाउजेंड का ये कोर्स है और यू नो आफ्टर डिस्काउंट आपको और भी कम में मिल जाएगा आप यहाँ पे ऑफर्स प्रोमो कोड जो आज के दिन के हैं उनको यूज़ करके देख सकते हैं और बहुत बार अपने लेक्चर्स में भी हम ये बताते रहते हैं फिर गोल्ड 24 मंथ्स का वैलिडिटी है प्लैटिनम 36 मंथ्स का वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलेगा अब सिल्वर में देखिए जैसे आपको पीपीटी और नोट्स मिल रहे हैं और एम मिल रहे हैं लेकिन आपको ऑफलाइन लर्निंग और अपडेट्स ये सब नहीं मिल रहा गोल्ड में आपको ये चार चीज़ें मिलेंगी और प्लैटिनम जो कि बेस्ट पार्ट है उसमें एक्सपर्ट्स आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैक इंड टीम भी है जो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स लेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें ऑप्शनल हम कौन सा रखें इसमें आपको और भी कनेक्ट फैकल्टी के साथ और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करने का मौका जो है वो मिलेगा तो आपके लाइव डाउट सेशनस क्लियर किए जाएंगे फैकल्टी के साथ मेन्टोर शिप जो हैं और हमारी जो बैक एंड टीम है अलग अलग टॉपिक्स पे वो आपको मिलेगी आपको इसके साथ जैसे मैंने बताया एस आई पी सक्सेस इन प्रिलिम्स ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसमें लिमिटेड कंटेंट रहेगा प्रिलिम्स के रिविजन के लिए जो प्रिलिम्स से पहले लाया जाएगा तो आपका जो ख्वाब है घर बैठ के अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पूरी करना ताकि आप हमारी कंट्री को सर्व कर करना कर पाएँ आगे जाके तो स्टडी आई आपकी हेल्प करने के लिए पूरे तरीके से अपने कोर्सेज के थ्रू इसमें रेडी है बाकी आप हमारा फ्री कंटेंट देखते ही हैं क्वालिटी कंटेंट रहता है उसी तरह से हमारा कोर्स भी क्वालिटी अफोर्डेबल कंटेंट जो है वो आपको मिलेगा आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे कोर्सेज बाकी आप बाकी कोर्सेज भी देख सकते हैं आज मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया कमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बाकी आ, के जो कोर्सेज हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। बाकी आंध्र प्रदेश के कोर्सेज जिस तरह से मैंने आपको यूपीएससी के कोर्स के बारे में बताया आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और यस आप डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ आपको चेकआउट के टाइम पे मिलेगा नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक लास्ट साइटिंग यानी लास्ट टाइम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आंध्र प्रदेश में कब दिखे थे आउटसाइड रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बाहर दिखे थे एक स्मॉल पैच है टेन स्क्वायर किलोमीटर का कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जी जो हैं शॉर्ट में मैं इनको जी आई बीज बोलूँगी बास्टेड बर्ड्स जो हैं वो दिखे थे अब लास्ट तीन साल में बहुत रेयरली कहीं पे इनको देखा जा रहा है अराउंड रोलापडू तो अदरवाइज इनको पहले फिर भी दिख जाते थे अब नहीं दिख रहे प्रिंट मीडिया में भी आप इस बारे में पढ़ सकते हैं सेकेंड में का है नो मोर ग्रेट इंडियन बास्टेड इन आंध्र प्रदेश टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही लिखा गया है कुछ ग्रेट इंडियन बास्टेड के बारे में अब देखिए सोर्सेज ये बोलते हैं कि लास्ट जो कुछ बस्टर्ड्स वहाँ पे बचे थे वो सबके सब फीमेल सब थे अब फीमेल जो बस्टर्ड्स थी उनको ब्रीडिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा कोई स्कोप नहीं था कि पॉपुलेशन आगे कैसे बढ़ेगी तो अब धीरे धीरे ये डिसअपियर हो रहे हैं तो जो जी का प्रेजेंस है साउथ इंडिया में वो कही कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है रोला पडू सिरुगुप्पा बेल्ट जो ये पूरी बेल्ट है सदर्न मोस्ट लिमिट है जहाँ पे आपके जहाँ तक आपके बस्टर्ड्स पाए जाते हैं अदरवाइज आप देखेंगे राजस्थान या गुजरात वाले एरिया में ये पाए जाते थे लेकिन अब ये साउथ का जो इनका लिमिट है यहाँ पे कोई भी बर्ड अगर पिछले साल से आप बोलेंगे तो देखा नहीं गया है तो डेफिनेटली इसके प्रोटेक्शन पे अब सवाल उठ रहा है कि ये एक हमारी फ्लैगशिप स्पीशीज़ है क्या हमने इसको खो दिया है अब एन मंजुनाथ ये एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सिरुगुप्पा के कर्नाटका में लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि ग्रेट इंडियन बास्टेट को उन्होंने फिफ्टीन मार्च इस साल देखा है ये देखिए ओनली 150 इनकी पॉपुलेशन देखिए ओनली 150 फिफ्टी ग्रेट इंडियन बास्टर्ड लेफ्ट इन इंडिया की अब सिर्फ पूरे इंडिया में 150 ही इनकी पॉपुलेशन बची है तो 150 से आप समझ सकते हैं ना के बराबर है कभी भी ख़त्म हो सकती है बिल्कुल अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हमारे हैं जो जीआईबी आई बी को आ, हमने डेडिकेट किए हैं राजस्थान में जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका जैसलमर और बालमेर में गुजरात में नलिया सेंचुरी इन कच्छ मध्य प्रदेश में करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अगर आप देखेंगे स्पीशीज़ डिसिपेयर्ड हो गए थे मध्य प्रदेश से अर्ली नाइन्टीज़ में ही महाराष्ट्र में नानज ग्रासलैंड सोलापुर और आंध्र प्रदेश में रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे भी हम हमको और ज़्यादा जीआईबीज हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं इस बर्ड के बारे में जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स क्या है लार्जेस्ट अमंग फोर बस्टर्ड स्पीशीज़ चार स्पीशीज़ हैं इनकी उनमें से लार्जेस्ट आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स रहते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं जैसे मैक्वीन बस्टेड हो गया लेसर फ्लोरिकन हो गया बंगाल फ्लोरिकन हो गया और फिर आपका जी आ गया हिस्टोरिक रेंज अगर आप इसके देखेंगे पूरे इंडियन सब में ये पाए जाते थे लेकिन अब ये सिर्फ दस परसेंट ही उसका बचे हैं जितनी रेंज में ये पाए जाते थे ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हैवियस्ट बर्ड्स हैं यानी काफ़ी भारी बर्ड में ये Uh, जो फ्लाइट लेते हैं जो बर्ड उनमें इनका वेट काफ़ी ज़्यादा है 1.21 मीटर तक ये टॉल होते हैं दैट मीन्स ऑलमोस्ट फोर फीट टॉल होते हैं वेट इनका 40 पाउंडस यानी 108 हंड्रेड तक और लॉन्ग पॉइंट बीक इनकी रहती है जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं अंडर पाथ्स इनके लाइट कलर्ड के होते हैं जो मेल्स होते हैं इनका एक ब्लैक बैंड होता है क्रॉस देयर चेस्ट लॉन्ग लेग्स येलोइश कलर की इनकी पाई जाती हैं अब हैबिटेट क्या है इसका यूजुअली आप देखेंगे ये ग्रास में पाए जाते हैं क्योंकि टेरेशियल बर्ड्स हैं ज़्यादा ज़मीन पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना ग्राउंड पे ही बिताते हैं कभी कभी उड़ते हैं ओकेजनल फ्लाइट्स लेते हैं हैबिटाट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खाने के लिए इंसेक्ट्स लेजर्ड्स प्रेफर की जाती हैं इनके द्वारा और ये जो बर्ड स्पीशीज़ है ग्रास में आप ये समझ लीजिए कि ये एक इंडिकेटर है कि ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अच्छा है अगर वहाँ पे आपके ये वाले बर्ड्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बास्टर्ड लार ये पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि ये देखिए ये इनका पूरा रेंज था इंडिया में कहाँ कहाँ अब सदर्न मोस्ट में ये ज़्यादा पाए नहीं जा रहे तो कितना पॉपुलेशन इनका बचा है वन तक एस्टिमेट किया जा रहा है पूरा पूरे इंडिया में तो कंजर्वेशन मेजर्स ये एक ही स्क्रीन में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी बट ऑल दो विल डिस्कस वन बाय वन प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट जिसको हम आई बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं ये और साइट्स में भी पेंडिक्स वन में इनको प्रोटेक्शन मिला है माइग्रेटरी सी एम एस जो है हमारा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ उसमें भी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में भी स्कड्यूल वन में दे आर प्रोटेक्टेड तो अब ये एक्सटेंक्शन का अ, ऐसा क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कम हो गई प्रोटेक्शन के बावजूद भी कंजर्वेशन मेजर्स के बावजूद भी कि अब ऐसा लगता है कि एक्सटिकट हो जाएंगे अब जो साइंटिस्ट हैं हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उन्होंने पॉइंट किया है पावर ट्रांसम

और बेसिकली इस बर्ड का आगे का जो विजन है ना देखने का जो क्षमता है वो बहुत पुअर है वो अच्छी नहीं है ये पावर लाइंस को नहीं देख पाते और उनके साथ टकरा जाते हैं और इनकी वेट की वजह से खुद को संभाल भी नहीं पाते और एकदम नीचे गिर के मर जाते हैं तो को इंसिडेंटली कच्च में थार्ड डेजर्ट में ये वो प्लेस हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ गोल्स हैं इंडिया के डेवलपमेंट के कुछ गोल्स हैं कि हमको रीनीबल एनर्जी कितनी चाहिए अब एरियाज में स्पेशली राजस्थान के और गुजरात के कच्छ और धार एरियाज में और वहीं पे ये पाए जाते हैं वहीं पे ये टकरा के मर रहे हैं और साथ में वहाँ पे बहुत सारा विंड मिल्स भी इंस्टॉल किया जा रहा है पावर लाइन्स कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं कोर जीआईबी एरियाज में जिससे इन बर्ड्स को बहुत भारी नुकसान हुआ है कि एक्सटेंशन के तो, एक्सटेंशन तक पहुंच चुके हैं उसके बाद दिस इज द मेन रीज़न बाकी रीजंस जैसे हंटिंग स्पोर्ट्स के लिए कोई इनको मारा है खाने के लिए कोई मारा है मार रहा है व्हीक्यूलर एक्सेस रिमोट एरियाज में अब गाड़ियाँ चलने लग गई हैं तो ये सब रीजन्स भी साथ साथ में हैं सूखा पड़ रहा है इनको फूड नहीं मिल रहा इनका पानी नहीं मिल रहा सो दीज थिंग्स आर एडिंग अप टू द एक्सटेंशन अगर आप इनका टाइमलाइन देखेंगे एक्सटेंशन का तो फेब्ररी लास्ट ईयर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज वाइल्ड एनिमल्स सी जो गांधीनगर में हुआ कि इंडिया में जी का पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 150 तक ही बचा है और उनमें से 128 ट्वेंटी एट बर्ड्स आपके राजस्थान में हैं 10 बर्ड्स आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हैं कुछ आपके जो हैं वो महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं दिस इज द डेटा दे गेव इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस तो प्रेजेंट जी आई बी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और थ्रेट्स देख लीजिए यहाँ से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं ना एक बार आप पूछते हैं कि किस तरह के नोट्स बनाए तो ये नोट्स बनाने हैं आपको सी कि क्या थ्रेट्स हैं पावर लाइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको और नेस्ट क्रिडिशन की इनके जो एग्स हैं कुछ एनिमल्स खा जाएंगे हंटिंग हो रही है पाकिस्तान में इनकी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से पेस्टिसाइड ग्रेजिंग प्रेशर है प्लांटेशन लैंड यूज पॉलिसीज हैबिटेट तो इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो गिरता जा रहा है तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन इनका एकदम से 1260 सिक्सटी से 745, फोर्टी फाइव सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड अब 150 से भी कम बचा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ईयर है, year, है? इस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन 90% परसेंट पॉपुलेशन इनकी 50 साल में ही गिर गई कंजर्वेशन मेजर्स पे आते हैं तो कंजर्वेशन मेजर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है बट इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अच्छे से तभी इनका ये हाल हो गया जैसे कि स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम इसमें कि हम स्पीशीज़ को रिकवर करेंगे आ, इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स चलाए ये अभी भी, भी कंजरवेटिव कंजर्वेशन एजेंसीज इनको अपना रही हैं प्रोजेक्ट बकायदा इनके पूरे नाम से चला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको लॉन्च किया गया राजस्थान गवर्नमेंट ने मेन ये था कि इनका ब्रीडिंग इनक्लोजर्स बनाए जाएंगे ईको फ्रेंडली मेजर्स लिए गए टास्क फोर्स बनाई गई जो इको फ्रेंडली मेजर्स लेके किस तरह से पावर ट्रांसमिशन लाइंस को रोकना है बाकी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो वाइल्ड लाइफ का है उनको इसमें इंक्लूड किया गया तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हावएर दे हैव नॉट वर्कड सो मच तो गवर्नमेंट भी अगर गवर्नमेंट को बोलें कि पावर ट्रांसमिशन लाइन्स आप नहीं लगाइए तो वो आगे से क्या रीज़न दे रहे हैं कि हमारे रीन्यूएबल जो एनर्जी गोल्स हैं हमको ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ आना है तो हम तो ये नहीं रोक सकते अब जो टारगेट है हमारा रीनएबल एनर्जी का वो अचीव करना है टू तक अब ये है कि कोर्ट को यहाँ पे अर्ज किया है कि हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस जो हैं 66 केवी या उससे ऊपर की पावर लाइंस प्रयोरिटी जीआईबी हैबिटेट में एटलीस्ट अगर आप ना लगाएं तो वो बेहतर है बट uh, वहाँ पे बर्ड डाइवर्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं इनको बचाने के लिए अगर आपको लगाना भी है तो आप बर्ड डाइवर्टर्स यूज़ कीजिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो सकता है कि आने वाले टाइम पर एक्सटिंक्ट हो जाएँ हम सिर्फ इनके बारे में किताबों में पढ़ें बट लेट्स सी अभी भी इनकी इतनी पॉपुलेशन पड़ी बची है कि हम इनको कंजर्व कर सकते हैं नाउ इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल विल कि किस पॉलिटिकल विल के साथ साथ कि इन्वायरमेंटलिस्ट और हमारे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो किस तरह काम करते हैं तो दिस इज़ अ जोक कार्टून आप देख सकते हैं कि एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दूसरे को बोल रहा है क्या तुम जानते हो कि हम स्टेट बर्ड्स हैं तो वो दूसरा बोलता है स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और वी आर गोइंग टू get extinct soon. Now the question for you is which one of the following groups of animals belong to the category of endangered species? तो so, यहाँ पर कुछ कुछ दिए हैं ये आप पढ़िए और आप बताइए कि कौन से एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं सो so, बहुत सारे हम डिस्कस करते रहते हैं हर एक पे आई थिंक हमने एक एक बार तो ये दो दो बार ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पे ही मुझे याद है दो तीन वीडियोज़ बनी है, मास्क डियर पे बनाई है रेड पांडा पे नहीं बनाई बट एशियाटिक वाइल्ड आस पे बनाई है Uh, कश्मीरी स्टैग, चीतल हर एनिमल पे ऑलमोस्ट वीडियोज़ जो हैं वो बनाई गई हैं नाउ यू जस्ट अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन और कमेंट uh, सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए बाकी दिस इज द वेबसाइट यू कैन विजिट द वेबसाइट कोर्सेज ई का ऑप्शन भी आपको मिलेगा थैंक यू सो मच